राजस्थान चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की ओर से प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि टीएस सिंहदेव की तरह पायलट को भी पार्टी की ओर से बड़ा पद दिया जा सकता है। इसके साथ ही सीएम गहलोत और पायलट के बीच चुनावों से पहले खींचतान मिटाने के फॉर्मूला पर काम तकरीबन पूरा हो चुका है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान ने ये मान लिया है कि पायलट के बिना विधानसभा चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। ऐसे में पायलट की नाराजगी दूर करना ही बेहतर होगा। हालांकि अभी भी पायलट समर्थक मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन सीएम गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट के सियासी पुनर्वास के लिए तीन विकल्पों पर काम कर रहा है। सियासी जानकारों की माने तो हाल ही में खड़गे के आवास में हुए बैठक में सुलह का फॉर्मूला तैयार किया गया है। बैठक के बाद से ही सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर जरूर पायलट ने इशारों में सीएम गहलोत को निशाने पर लिया था। सियासी जानकार सचिन पायलट की चुप्पी के अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पायलट को CWC मेंबर और चुनाव कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया जा सकता है। चर्चा तो ये भी है कि चुनाव से ठीक पहले पायलट समर्थक को बड़ा पद दिया जा सकता है ताकि पायलट खेमे को खुश किया जा सके। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि CWC मेंबर के लिए पायलट पहले भी इनकार कर चुके हैं। पायलट राजस्थान के सियासी महकमे से बाहर नहीं जाना चाहते। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि सचिन पायलट को चुनाव कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि पायलट को 2020 में PCC चीफ और डिप्टी CM पदों से बर्खास्त किया गया था। तब से ही पायलट किसी भी पद पर नहीं है। हालांकि पार्टी की ओर से पायलट समर्थक विधायकों को सीएम गहलोत ने मंत्री बनाकर एडजस्ट कर दिया, लेकिन पायलट को किसी पद की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को बड़ा पद दे सकती है। सियासी जानकारों का कहना है कि पायलट को PCC चीफ भी बनाया जा सकता है। फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा इस पद पर है। ऐसे में उन्हें इस पद से हटाने से जाट समुदाय नाराज हो सकता है, जो कि कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा है। ऐसे में अब पार्टी की ओर से पायलट को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।